ऋषिकेश की रैली ग्राउंड पर पीएम मोदी ने की रैली और 23 विधानसभा क्षेत्रों से 1 लाख से ज्यादा वर्कर पहुंचे। रैली के जरिए 3 लोकसभा सीटों के वोटरों को साधा। पीएम मोदी बोले, देश में एक बार फिर से मोदी सरकार की गूंज, दक्षिण में भी बीजेपी की प्रचंड लहर। पीएम मोदी बोले, हमने वन रैंक वन पेंशन का वादा पूरा किया, हमने सैनिकों के खाते में पैसे पहुंचाए। ऋषिकेश की रैली में गरजे पीएम मोदी, बोले अब भारत दुश्मनों को घर में घुसकर मारता है, अब भारत में मजबूत सरकार है, मजबूत सरकार से आतंकी साफ। पीएम मोदी बोले, ये दशक उत्तराखंड का दशक है, ऋषिकेश पर्यटन का बड़ा केंद्र बन रहा है, पर्यटकों को उत्तराखंड के कोने कोने तक पहुंचाएंगे। पीएम मोदी ने गिनाए विकास के काम, कहा उत्तराखंड में आज आधुनिक सड़क और टनल, सैनिकों के पास अब हर तरह की सुविधाएं, पहले वो बुलेट प्रूफ जैकेट की कमी से जूझ रहे थे। ऋषिकेश के बाद पीएम मोदी गणगौर के मौके पर पहुंचेंगे राजस्थान, करौली धौलपुर लोकसभा सीट के सिद्धार्थ सिटी में जनसभा को करेंगे संबोधित। पीएम मोदी की रैली में सीएम भजनलाल शर्मा सहित राज्य बीजेपी के तमाम नेता रहेंगे मौजूद। बीजेपी उम्मीदवार इंदु देवी जाटव के पक्ष में वोट की करेंगे अपील। अगले कुछ दिनों में पीएम मोदी की ताबड़तोड़ रैलियां, 14 को मध्य प्रदेश के होशंगाबाद और कर्नाटक के मैसूर और मंगलुरु में मोदी की जनसभा, 15 अप्रैल को केरल में 3 रैलियां, 16 अप्रैल को बिहार और बंगाल के चुनावी दौरे पर होंगे पीएम मोदी, 17 अप्रैल को असम और त्रिपुरा में जनसभा को करेंगे संबोधित। बिजनौर से सांसद मलूक नागर जयंत चौधरी के आरएलडी में शामिल, आज ही बीएसपी से दिया था इस्तीफा। लोकसभा चुनाव से पहले बीएसपी को बड़ा झटका, बिजनौर से सांसद मलूक नागर ने छोड़ी पार्टी, इस बार मायावती ने काट दिया था टिकट। मैं घर में नहीं बैठ सकता, इस्तीफे के बाद बोले मलूक नागर, कहा एक टर्म के बाद निकाल देने या घर पर बिठा देने का रहा है बीएसपी का इतिहास। लालू यादव की बेटी मीसा भारती का बड़ा बयान, कहा अगर इंडिया अलायंस की सरकार आई तो जेल में होंगे मोदी समेत बीजेपी के दूसरे नेता। मीसा भारती बोली, हम रोजगार भी देते हैं तो मोदी को तुष्टिकरण नजर आता है, जब भी आते हैं हमारे परिवार पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाते हैं, लेकिन इलेक्टोरल बॉन्ड पर क्यों नहीं बोलते पीएम। सिक्किम विधानसभा चुनाव के लिए बीजेपी का घोषणा पत्र जारी, गंगटोक में बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने किया जारी। सिक्किम के लोकसभा चुनाव के साथ विधानसभा चुनाव के लिए भी 19 अप्रैल को वोटिंग। मैनिफेस्टो जारी करने के बाद जेपी नड्डा बोले, मोदी सरकार आने के बाद खत्म हुई नॉर्थ ईस्ट की अनदेखी, पहले की सरकारें अलगाव और अज्ञानता में करती थी विश्वास। कांग्रेस नेता केसी वेणुगोपाल ने केरल के अलापुजा में किया चुनाव प्रचार, कांग्रेस ने अलापुजा से वेणुगोपाल को उतारा है मैदान में। एनडीए के 400 पार के दावे पर बोले कांग्रेस महासचिव वेणुगोपाल, वो देश में 200 सीटों भी पार नहीं करने जा रहे, लोकतंत्र में कोई भी कुछ भी भविष्यवाणी नहीं कर सकता। तेजस्वी के बयान पर जेडीयू नेता नीरज कुमार का पलटवार, कहा 17 महीने की नौकरी तो हमने आपको दी, आप असफल हुए तो हमने आपको बर्खास्त किया। ममता बनर्जी ने बीजेपी पर निशाना साधा, कहा कोई ब्लास्ट होता है तो बीजेपी एनआईए को गिरफ्तार करने के लिए भेज देती है, सबको गिरफ्तार करते करते आपका देश ही सूना हो जाएगा। बीजेपी नेता रविशंकर प्रसाद का बयान, कहा बहुत चौंकाने वाले होंगे पश्चिम बंगाल के नतीजे, बुरी तरीके से ममता और उनकी पार्टी को हराएगी बीजेपी। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव का कांग्रेस पर हमला, कहा इस बार सभी सीटों पर हारेगी कांग्रेस, कमलनाथ के छिंदवाड़ा में भी कांग्रेस की विदाई तय। लखनऊ में सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने बीजेपी पर साधा निशाना, कहा बीजेपी झूठ का सहारा लेकर काम कर रही। अखिलेश यादव ने बीजेपी पर झूठे वादे करने का आरोप लगाया, कहा बीजेपी सरकार में सबसे ज्यादा बेरोजगारी बढ़ी, लोकतंत्र में इससे खतरनाक काम क्या हो सकता है। सपा के घोषणा पत्र पर डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य का बड़ा हमला, कहा यह घोषणा पत्र जनता के सामने मजाक, जिनका खाता खुलने पर भी संशय वो जारी कर रहे हैं घोषणा पत्र। इस बार बीजेपी के खाते में जाएंगी यूपी की 80 की 80 सीटें, मैनपुरी में भी खिलेगा कमल, मैनपुरी से टिकट मिलने के बाद बोले योगी के मंत्री जयवीर सिंह ठाकुर। गाजीपुर से बीजेपी ने पारसनाथ राय को टिकट दिया, सपा के उम्मीदवार अफजल अंसारी से होगी टक्कर। पारसनाथ ने खुद को बताया सिपाही, कहा सामने कोई भी रहे मैं तो एक सिपाही हूँ, सिपाही की तरह लड़ा हूँ और आगे लड़ूंगा। दिल्ली में आम आदमी पार्टी के डोर टू डोर कैंपेन के लिए उतरी मंत्री आतिशी, कहा केजरीवाल की गिरफ्तारी से लोगों में गुस्सा, दबाव की वजह से आम आदमी पार्टी के मंत्री का इस्तीफा। केजरीवाल की याचिका पर 15 अप्रैल को सुनवाई करेगा सुप्रीम कोर्ट, गिरफ्तारी के खिलाफ हाईकोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में दी चुनौती। दक्षिण चेन्नई सीट से बीजेपी उम्मीदवार तमिलिसाई सुंदरराजन ने तेज किया प्रचार, सब्जी व्यापारियों से की मुलाकात। यूएस आर्मी पैसिफिक में भारत अमेरिका कार्यकारी संचालन समूह की बैठक, भारत और अमेरिका के बीच रक्षा सहयोग के लिए होती है ESG की बैठक। पुलवामा में सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच एनकाउंटर, एक आतंकी के मारे जाने की खबर।
हरियाणा के महेंद्रगढ़ जिले में बड़ा सड़क हादसा, हादसे में 6 बच्चों की मौत, कई बच्चे घायल। निजी स्कूल के बस के पलटने से हुई 5 बच्चों की मौत। महेंद्रगढ़ में कनीना दादरी मार्ग पर बस अनियंत्रित होकर पलटी। नोएडा में जीएसटी फ्रॉड केस में आरोपी तुषार गुप्ता गिरफ्तार। मामले में अब तक कुल 33 आरोपी की हो चुकी है गिरफ्तारी। मणिपुर के उखरुल में असम राइफल्स ने 13 लाख से अधिक कैश के साथ एक शख्स को गिरफ्तार किया। एक कार्बाइन, मशीन गन, पिस्तौल, ग्रेनेड और गोला बारूद बरामद। तमिलनाडु के कुन्नूर में शरारती तत्वों ने सूखे पौधों और कचरे में लगाई आग, पास खड़ी 3 कारें जलकर खाक। मध्य प्रदेश के पन्ना में जल संकट गहराया, जल स्रोत सूख जाने से गड्ढा खोदकर पानी निकाल रहे हैं लोग। मणिपुर में विष्णुपुर का शिल्प गांव कारीगरों के लिए बना वरदान, पर्यटकों का लग रहा है जमावड़ा। तमिलनाडु के नीलगिरी में अपनी माँ से बिछड़े हाथी के 2 बच्चे, दोनों को मुदुमलाई शिविर में लाकर की जा रही है देखभाल। चैत्र नवरात्र का आज 3रा दिन, दिल्ली में छतरपुर के मां कात्यायनी देवी मंदिर में सुबह की आरती। यूपी के मिर्जापुर में मां विंध्यवासिनी देवी की दरबार में राजस्थान के राज्यपाल कलराज मिश्र। चैत्र नवरात्र के 3रे दिन की गई पूजा अर्चना। जम्मू कश्मीर के टीटवाल में नवरात्र पर भक्तों ने लगाई आस्था की डुबकी। मां शारदा मंदिर में लोगों ने की पूजा। LOC के करीब किशन गंगा नदी के तट पर की गई आरती। आजादी के 75 साल बाद पहली बार गंगा आरती। ओडिशा के बालासोर में चड़क मेला का आयोजन, लाखों की संख्या में पहुंचे श्रद्धालुओं ने की भगवान की पूजा। MP के CM मोहन यादव उज्जैन में सिंधी समुदाय के कार्यक्रम में शामिल, धूमधाम से मनाया गया झूलेलाल जन्मोत्सव। असम के गुवाहाटी में बिहू उत्सव को लेकर वर्कशॉप का आयोजन, सैकड़ों महिलाएं और स्कूली छात्राएं वर्कशॉप में शामिल। ईद के अवसर पर अयोध्या में विशेष चौकसी, SSP राजकरण नैयर बोले पर्याप्त सुरक्षा व्यवस्था तैनात। दिल्ली के जामा मस्जिद में सुबह सुबह ईद की नमाज की गई, लोगों ने अमन की दुआ की। पूर्व केंद्रीय मंत्री और BJP नेता मुख्तार अब्बास नकवी ने की नमाज अदा। दिल्ली के कश्मीरी गेट स्थित पंजा शरीफ दरगाह में नमाज अदा की। बीजेपी नेता शाहनवाज हुसैन ने दिल्ली में अदा की ईद की नमाज। पार्लियामेंट स्ट्रीट मस्जिद में नमाज अदा की। लखनऊ में ईद मिलन समारोह में पहुंचे अखिलेश यादव, कहा ये एक दूसरे के गले मिलने और सेवैया खाकर मुंह मीठा करने का त्यौहार। यूपी के डिप्टी CM ब्रजेश पाठक ने की ईद की बधाई। मुसलमानों के हक और हुकूक के लिए सरकार के काम करते हुए रहने का भरोसा दिया। अलीगढ़ में तमाम सख्ती के बाद भी सड़क पर पढ़ी गई ईद की नमाज। ADM सिटी बोले, सड़क पर नमाज पढ़ने वालों की हो रही है पहचान। पटना के गांधी मैदान में ईद की नमाज। CM नीतीश कुमार भी गांधी मैदान पहुंचे। डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव आजाद पार्टी के प्रमुख गुलाम नबी आजाद ने सबके लिए कहा ईद मुबारक। बोले, अल्लाह दुनिया भर के लोगों का रोजा स्वीकार करे। मुंबई के माहिम दरगाह में बड़ी संख्या में पहुंचे मुस्लिम भाई अदा की ईद की नमाज। भोपाल में भी ईद की धूम, बड़ी संख्या में मुस्लिमों ने अदा की ईद की नमाज। जयपुर में नमाजियों की उमड़ी भारी भीड़, हजारों लोगों ने अदा की ईद की नमाज। इफ्तार में शामिल हुए भारत में अमेरिकी राजदूत एरिक गार्सिटी, कहा ये महीना भारत के सांस्कृतिक और धार्मिक विविधता का उत्सव। टेस्ला के मालिक एलन मस्क ने भारत दौरे को लेकर ट्वीट किया, लिखा PM मोदी से मिलने को लेकर उत्सुक। अप्रैल के अंत में भारत आएंगे एलन मस्क। भारत में निवेश और नई फैक्ट्री खोलने पर हो सकती है बात। एलन मस्क नई इलेक्ट्रिक कार प्लांट को लेकर कर सकते हैं ऐलान। एलन मस्क पहली बार आएंगे भारत। एशियाई विकास बैंक ने बढ़ाया भारत का GDP अनुमान। GDP वृद्धि का अनुमान 6.7% से बढ़कर 7% किया। दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी एयरलाइन कंपनी बनी इंडिगो। मार्केट कैप 1.47 लाख करोड़ पहुंचा। पहले नंबर पर है अमेरिका की डेल्टा एयरलाइंस। पायलटों की कमी की वजह से जूझ रही एयरलाइन कंपनी विस्तारा की मदद करेगी एयर इंडिया। अपने कुछ पायलट्स को प्रतिनियुक्ति पर विस्तारा में भेजने की योजना बना रही है कंपनी। एयरलाइन कंपनी विस्तारा और पायलट के बीच जारी विवाद के चलते फ्लाइट का किराया बढ़ा, 1 महीने में करीब 39% तक का इजाफा। वित्तीय संकट से जूझ रही टेलीकॉम कंपनी वोडाफोन आइडिया ला सकती है FPO। अगले हफ्ते 20,000 करोड़ रुपए का फॉलो ऑन पब्लिक ऑफर लेने के तैयार। सोने की कीमतों में उछाल जारी, पहली बार पहुंचा 72,000 के पार। इस साल अब तक 8,746 रुपए दाम बढ़े। भारत की सबसे बड़ी कार मैन्युफैक्चर कंपनी मारुति सुजुकी ने बढ़ाए गाड़ियों के दाम। अपने सबसे पॉपुलर मॉडल स्विफ्ट की कीमतों में की 25,000 तक की बढ़ोतरी। मारुति ने ग्रैंड विटारा सिग्मा वेरिएंट की कीमत में 19,000 रुपए की बढ़ोतरी की। इससे पहले कंपनी ने जनवरी में अपने सभी मॉडल की कीमतों में 0.45% का किया था इजाफा। DMRC मामले में सुप्रीम कोर्ट से अनिल अंबानी को झटका। कोर्ट ने DMRC द्वारा अंबानी की कंपनी डेमिपल को दी गई ओरिजिनल ऑर्बिटल अवार्ड की पूरी राशि चुकाने का निर्देश दिया।
ओला उबर ने सब्सक्रिप्शन बेस्ड सर्विस शुरू की। ऑटो ड्राइवर्स को अब हर राइड पर मिलेगा पूरा पैसा, नहीं देना पड़ेगा कंपनी को कमीशन। ओला ने दिल्ली NCR, मुंबई, बेंगलुरु और हैदराबाद में सब्सक्रिप्शन बेस्ड सर्विस शुरू की। वहीं उबर की ये सर्विस चेन्नई, कोच्चि समेत 6 शहरों में मिलेगी। हमास नेता इस्माइल हानिया के 3 बेटों की इजरायली हमले में मौत। इजरायली वायुसेना ने गाजा पट्टी में एयर स्ट्राइक कर उड़ाई का। हानिया को दोहा में मिली 3 बेटों और 3 पोते पोतियों की मौत की खबर। दोहा में एक अस्पताल में गाजा के घायलों से मिलने पहुंचे थे हानिया। हानिया ने बेटों की मौत के बाद कहा, गाजा के लोगों ने अपने बच्चों के खून में चुकाई कीमत, मैं भी उन्हीं लोगों में से एक। सेंट्रल गाजा के जवादा में इजरायली हमले में 11 लोगों की मौत। रिहायशी इलाके पर इजरायल ने की बमबारी। इजरायली हमले में एक मकान को टारगेट किया, धमाके के बाद मकान की जगह पर एक बड़ा गड्ढा बन गया। इजरायली हमले में अब तक गाजा में 33,360 फिलिस्तीनियों की मौत, 76,000 से ज्यादा लोग घायल। यूक्रेन के लिप्सी में एक गांव पर रूस का मिसाइल अटैक, 14 साल के एक बच्ची सहित 3 लोगों की मौत। रूसी हमले में 2 दुकानें तबाह। रूसी सीमा से सटा है पूर्वोत्तर खारकीव का लिप्सी इलाका। यूक्रेन के डोनेस्क क्षेत्र में हुए रूसी हमले में अब तक 3 लोगों की मौत, 13 साल का एक बच्चा भी था शामिल। रूसी मिसाइल अटैक में 2 मंजिला इमारत हुई तबाह। फिलहाल हमले में घायल 3 लोगों को अस्पताल पहुंचाया। कजाकिस्तान में बाढ़ से बचाव के लिए उड़ाए जा रहे छोटे छोटे बांध। स्थानीय किसानों ने पानी जमा करने के लिए जगह जगह बनाए बांध। स्थानीय प्रशासन के मुताबिक बांध के टूटने की वजह से जमा पानी से कैस्पियन सागर की तरह बहने का रास्ता खुला। बाढ़ के जलस्तर में आई कमी। उत्तरी केन्या में बाढ़ के पानी में फंसी यात्रियों से भरी बस। कई यात्री जान बचाने के लिए बस की छत पर सवार। स्थानीय प्रशासन ने लोकल लोगों की मदद से चलाया रेस्क्यू ऑपरेशन। रस्सी के सहारे 51 यात्रियों को बाहर निकाला गया। अमेरिका के टेक्सास में तेज तूफान ने मचाई भारी तबाही। ह्यूस्टन में बारिश और तूफान की वजह से कई मकान और दुकान तबाह। रूस में अंगारा A5 रॉकेट के प्रक्षेपण की दूसरी कोशिश भी नाकाम। वोस्टोचन स्पेसपोर्ट से रॉकेट का लॉन्च तय समय से ठीक 2 मिनट पहले किया गया। भारी वजन ले जाने में सक्षम अंगारा A5 रॉकेट के ऑक्सीडाइज टैंक की दबाव प्रणाली में आई खराबी। रॉकेट का लॉन्च कम से कम 1 दिन के लिए टाला गया। IPL में आज मुंबई इंडियंस और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के बीच होगी भिड़ंत। मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में शाम 7:30 बजे से शुरू होगा मैच। IPL में अब तक RCB पर मुंबई का पलड़ा भारी रहा। मुंबई और बेंगलुरु के बीच अब तक 32 बार हुई भिड़ंत। मुंबई ने 18 और बेंगलुरु ने 14 मैच जीते। RCB को पिछले 3 मुकाबलों में करना पड़ा हार का सामना। शुरुआती 3 मुकाबलों में हार के बाद मुंबई ने दिल्ली के खिलाफ जीता पहला मैच। राशिद खान और राहुल तेवतिया ने छीनी राजस्थान के जबड़े से जीत। रोमांचक मुकाबले में गुजरात ने राजस्थान को 3 विकेट से हराया। राजस्थान रॉयल्स ने गुजरात टाइटंस को दिया था 197 रन का लक्ष्य। गुजरात ने आखिरी बॉल में जीत हासिल की। राशिद खान और राहुल तेवतिया ने खेली ताबड़तोड़ पारी। दोनों ने आखिरी 12 बॉल में 35 रन बनाए। कप्तान शुभमन गिल और साई सुदर्शन ने गुजरात को अच्छी शुरुआत दिलाई। शुभमन ने 72 और साई सुदर्शन ने 35 रन बनाए।